नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फुल पैकेज पे। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सिक्के के बारे में जो कि लिमिटेड एडिशन में भी बनाया गया और मार्केट में सर्कुलेटेड भी हुआ और आज की तारीख में बहुत ही वैल्यूएबल कॉइन है। 5 रुपए का ये कॉइन खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इशूड किया गया। 2007 में ये सिक्का 9 ग्राम में भी इशूड हुआ और 6 ग्राम में भी। जो 9 ग्राम में इशूड हुआ वह कॉपर निकल धातु के साथ हुआ और जो 6 ग्राम में हुआ वो स्टेनलेस स्टील की धातु में हुआ। इस कॉइन को इशूड किया गया बॉम्बे मिंट में। दोनों ही सिक्कों का साइज 23 mm है और दोनों पे जो थीम है वो सिमिलर है, गांधी जी का चरखे के साथ, लेकिन दोनों की प्राइस वैल्यू में बहुत ही डिफरेंस है। जो स्टेनलेस स्टील वाला कॉइन्स है वो स्केयर कॉइन्स में काउंट होता है और उसकी मार्केट वैल्यू आज की तारीख की यूएनसी कंडीशन की है 70 रुपीज़ से लेकर 75 रुपीज़ तक। और जो कॉपर निकल धातु वाला है, जैसे मैंने पहले ही बताया लिमिटेड एडिशन में बनाया गया इसलिए वो मार्केट में काफ़ी वैल्यूएबल कॉइन्स में काउंट होता है और उस कॉइन की मार्केट वैल्यू है 1200 रुपीज़ से लेकर 1800 रुपये तक। और एक बहुत ही जरूरी बात दोस्तों, इसे सिर्फ बॉम्बे मिंट में ही डाला गया। अगर कोई आपको अन्य कॉइन सेल करने की कोशिश करता है या किसी और डिफरेंट मिंट के कॉइन सेल करने की कोशिश करता है, वो बिल्कुल फेक कॉइन्स है, तो आप उसे बाय मत कीजिए। और अगर आपके पास ये कॉइन बॉम्बे मिंट वाला अवेलेबल है तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद एंड जय भारत।